जी आजकल के बच्चों को वैज्ञानिक विज्ञान, अरे भाई जैन धर्म में वो बातें लिखी हुई हैं कि अगर तुम गहराई से पढ़ोगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि जैन धर्म से वैज्ञानिक ज्यादा धर्म कोई दूसरा है ही नहीं। ये अलग बात है कि तुम्हारा परिचय ढंग से नहीं, और तुम अपने माँ बाप को उनकी हालत देख के जैन धर्म की गणना करते हो, नहीं समझ अब किसी के माँ बाप है वो कुछ नहीं जानते, तो बच्चे सोचते अरे अपने जन्म में भी कुछ नहीं है। अरे भाई पढ़ो तुम, अब तुम्हारे माँ बाप नहीं समझते कुछ तो हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे माँ बाप को तो हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन तुमने भाग्य से दिगंबर धर्म में जन्म लिया है, ख्याल में आएगी नहीं, उसकी कीमत पहचानो। तुम्हारे माँ बाप अगर अन्य रागी देसी देवताओं के पास जाते हैं या ढंग से वीतरागी धर्म का स्वरूप नहीं समझते, तो इसका मतलब हमारे धर्म में खराबी है नहीं, तुम्हारे माँ बाप में खराबी है कि वे नहीं समझते। हम तो ये कह रहे हैं हमारे जैन धर्म की परीक्षा तुम्हें जितनी करनी है उतनी कर लेना, पानी छान कर दुनिया को पीना जैनियों ने सिखाया, और आज से नहीं सिखाया, क्यों कब से सिखाया कि भैया अनादि तो चलो तुम समझोगे नहीं, ये तो हम मानते, लेकिन हमारे यहाँ तो महावीर के समय से पानी छान कर पी रहे 2600 वर्ष पहले से। आज तुम जो कौन सा पानी जाता है वो आरो लेके घूम रहे हो, और वो तुम्हारा मिनरल वाटर फलाना वाटर क्या क्या, ये तो जैन धर्म ने पहले ही बता दिया। बोलो ये डॉक्टरों के पास जाते हो बीमार होते हो तो वो कहते ये नहीं खाना ये नहीं खाना, जैन धर्म तो पहले ही कहता है कि मत खाना। बोलो कितनी और हजार दफे बात है, कपड़ों की शुद्धता, बोलो जैन धर्म में। अब आज विज्ञानिकों ने सब सिद्ध कर दिया कि भाई कपड़ों से सबसे ज्यादा संक्रमण फैलता है। बोलो ये डॉक्टर अपने कॉटन के कपड़े अलग पहने रहते कि नहीं पहने रहते, क्यों पहने रहते हो, ये कॉटन डला रहता है अस्पतालों में क्यों पता है आपको, क्योंकि उसमें निषेधात्मक क्षमता बहुत ज्यादा होती है कपड़े में। अब बोलो अब देखो हमारे बताए, अब आपके अब अपन अपने बच्चों को ये बात तभी तो बताओगे जब तुम खुद पढ़े लिखे होगे है। अब तुम खाली पूजा पूजा करते रहोगे तो वो सोचेगा बच्चा कि भैया जैसे अन्नमती अन्न भगवान की पूजा करते हैं, सुजे वाले जे भगवान की पूजा करते हैं, यही होगा कि नहीं, वे वहां पे दूसरी सामग्री चढ़ाते हैं, ये बनिए थोड़े पैसे वाले होते तो थोड़ा अच्छा माल चढ़ाते। इन बातों से तुम जैन धर्म में अंतर नहीं कर पाओगे। अगर अपने बच्चों को जैन धर्म का श्रद्धानी बनाना है तो हर माँ बाप को स्वयं स्वाध्याय में जाना पड़ेगा, स्वयं स्वाध्याय में बैठना पड़ेगा, क्योंकि जैन धर्म बुद्धिमानी लोगों का धर्म है। इसमें ऐसे नहीं चलेगा कि चढ़ाया भगवान को नारियल, भगवान तेरे को परीक्षा में पास कर देंगे, या श्रद्धा से झुका दे अपना माता, यहाँ कुछ नहीं होता। तो जैन धर्म बहुत तार्किक है, समझ में आया, इसमें लॉजिक चलता है, और लॉजिक बुद्धिमान लोगों के पास होता है, मूर्खों के पास लॉजिक नहीं होता। पकड़ में आया अरविंद जी, जब बच्चा पूछे तुम्हारा कि पापा ऐसा क्यों करना, तो तुम्हें उसका उत्तर पता होना चाहिए, और तुम्हें पता ही नहीं होगा, अरे बेटे श्रद्धा से भगवान को नमस्कार करो, वो कहते श्रद्धा की बात है तो फिर राधे रानी को कर लेंगे, समझ में आया, हो जाएगा काम। जब रामचंद्र जी को पूजना ही है तो यहाँ के सही वहां के सही कहीं के ही सही, नहीं अंतर है, लेकिन तो अंतर है कि नहीं। अरे भाई हिंदू जिस रूप में राम को पूजते हैं वो राम हमारे यहाँ हिंदुओं का राम हमारे यहाँ नहीं है, हमारे राम अलग हैं, हम राम को तो भगवान मानते हैं लेकिन तुम्हारे जैसा भगवान नहीं मानते, हमारे भगवान वीतरागी हैं, मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे राम आएंगे ये हम नहीं मानते, समझ में आए, हमारे यहाँ कोई नहीं आता वाता, हमारे यहाँ तो जो जाता है सो जाता ही है, लौट फिर के नहीं आने की व्यवस्था है। तो भाई कि नहीं साहब, डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बहुत याद आती उनकी कभी कभी इस बात पे। डॉक्टर साहब ने जब वो बताते थे तो किसी ने तर्क दिया, प्रश्न किया कि भाई पद्मावती और जो धनेन्द्र हैं
वे हमारे साधर्मी हैं कि नहीं, ये बताओ। ये कैसे साधर्मी? के भाई देखो, उनने पारसनाथ की रक्षा करी तो वे वीतरागी धर्म को मानने वाले हुए कि नहीं? हाँ। और अपन कौन से? हम भी तो असाधर्मी हो गए नहीं? बोले हाँ साहब हुए। तो आगे क्या कहना चाहते हो? कि मैं ये कहना चाहता हूं, अगर साधर्मी साधर्मी से जय जिनेन्द्र कर ले तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जैसा जैन साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा उसने भी कहा कोई दिक्कत नहीं, समझ में? तो बोले साहब तो नहीं नहीं सुनो, आगे सुनो। तो कहे कैसे करोगे जय जिनेन्द्र? बोले देखो जी, पद्मावती बैठे हैं और अपन जाके जय जिनेन्द्र कर लो, है कि नहीं? अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। तो बोले अब कर सकते कि नहीं? कर सकते, कर सकते, जय जिनेन्द्र तो कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा ये बताओ, तुम तो समझते हो कि जी हमारे साधर्मी और जय जिनेन्द्र करना है, लेकिन तुम्हारा जो पीछे वाला है वो जानता है कि जो साधर्मी समझ के जय जिनेन्द्र कर रहा है, वो तो यही सोचेगा कि नमस्कार कर रहा देवी जी को, और वो तो बिल्कुल देवी जी करके नमस्कार। तू आदर्श पुरुष है क्योंकि तू इतनी कहानी जानता है, इसका मतलब तू पंडित आदमी है, और पंडित तो आदर्श होते हैं समाज के। और जब पंडित जी ही नमस्कार कर रहे हैं पद्मावती को, तो पीछे वाले क्या करेंगे? क्या भाई साहब तो दंडवत प्रणाम करेंगे, हैं? उस परंपरा का जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों को उनके राम में और अपने राम में भेद नहीं समझाएंगे, और ये कहेंगे कि अरे सब बेटा अपन भी राम ही वाले हैं, समझ में आया? तो वे आने वाली पीढ़ी को वे उतनी गहराई से नहीं बता पाएंगे। तुम्हें भले ही पता है और तुम बच्चों को बताते नहीं कि छोड़ो भी क्या, अरे नहीं, उनको बताओ कि बेटे राम हुए, मोक्ष गए, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी राम। लेकिन अपने यहाँ ऐसे जे वाले राम, युवराज राम है, राजा राम है, इनकी पूजा नहीं होती। अपने यहाँ तो जो मुनि दिगंबर संत बने थे, जो मोक्ष गए हैं, अपन तो उन राम के पुजारी हैं। आपने कभी सोचा हमारे पूर्वजों ने रामचंद्र वगैरह की, कृष्ण वगैरह की, इनकी प्रतिमाओं को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, इनकी विराजमान नहीं करी? न कर देते श्री कृष्ण कर देते कि नहीं? भावी तीर्थंकर और ये और ये और राम की और जित कितने मोक्ष गए, सारे दुनिया भर के मोक्ष गए। तो उनने इसलिए कि भैया जिस समानार्थी है उनके यहाँ पे भी है और अपने यहाँ भी है, तो कल के दिन ऐसा होना कि अपन उनमें माने जाने लगे। ख्याल में आए कि नहीं आएगा? क्योंकि अपनी प्रतिमा के नीचे लिखा होगा रामचंद्र, कहेंगे देखो जिनके यहाँ पे भी है, यहाँ लिखा कृष्ण। अब कौन समझाए कि भाई हमने तो किस रूप में रखा? तो हमारे पूर्वज इतने समझदार थे, उनने कहीं पर भी वो रिक्त स्थान नहीं बनने दिया कि जिससे दिगंबर धर्म, जो मूल वीतरागी धर्म है, वो रागियों के धर्म में शामिल हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? कितने कितना अपन आज अगर अपने पूर्वज इतने समझदार नहीं होते। अरे अभी मैं पढ़ रहा हूं वर्णी जी की आत्मकथा, तो वर्णी जी की आत्मकथा पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करी है जैन धर्म को पढ़ने पढ़ाने में और इसको संरक्षित करने में। आप कल्पना ही कर सकते हैं इंजीनियर साहब, सब लोगों को वर्णी जी की आत्मकथा जरूर पढ़नी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे पूर्वज, हमारे पंडित विद्वानों ने भैया कितनी मेहनत करी। मेला लगाते थे अपने पूर्वज, पता क्या लगाते थे? जैन धर्म का मेला, जैसे कड़कड़डूमा में आलू की चाट का ठेला और जैन धर्म मेला बोलते हैं, समझ में आया? ये वाला मेला नहीं लगाते थे अपने पूर्वज? वो जैन धर्म के मेले में क्या करते थे? बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाते थे, समझ में आया कि नहीं आया? और मेले के नाम से दुनिया आती थी और वहां पर बड़ी बड़ी मंच तैयार करते थे, वो बड़े बड़े फेमस विद्वान, समझ में आ रहे ना? जैसे कोई बड़ा मेला और बन के अमिताभ बच्चन आ रहा है तो जनता एकदम पागल होगी ना, वहीं पहुंचेगी। तो ऐसे ही फिर घोषणा करते थे कि आज इस मेले में हमारे बीच देश विदेश ख्याति प्राप्त पंडित गोपाल दास जी बरी आ रहे हैं। ओ भैया, जैन समाज उमड़ उमड़ के जाती थी, फिर गोपाल दास बरैया जी का वहां प्रवचन होता था, आज हमारे मेले में पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री आ रहे हैं। ऐसा ऐसे कर करके लोगों को जैन धर्म पढ़ाते थे। सोचो बात, कितनी 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 कैसी स्थितियां थी और क्या कैसे करते थे वो लोग अपने लेवल पे जो कुछ हो सकता था। और आज तो इतनी सुविधाएं हैं,
कि हम बताओ घर घर जैन धर्म पहुंचा सकते हैं, ख्याल में आया? लेकिन अपन तो ऐसे हैं चुपचाप प्रवचन सुन लेंगे, अच्छा लगेगा बस, नहीं कि चार लोगों को पहुंचा दें कि और लोगों के भी समझ में आ जाए, अपने परिवार में पहुंचा दें उनकी समझ में आ जाए, या अपनी पत्नी से कहें सुनो इसको तुम थोड़ा ध्यान से, अरे मेरे लिए सुन लो, हैं? तुम्हारा जन्मदिन आता है, तुम्हारी ये शादी की वर्षगांठ आती है, और तुम्हारी पत्नी को मान के चले तुम्हारे पति को तत्व की रुचि नहीं हो और तुम्हें हो, तो वर्षगांठ पे क्या मांगना? वो कहते हैं ना गिफ्ट क्या चाहिए, कि गिफ्ट ये है कि तुम 15 मिनट रोज स्वाध्याय करोगे, इसके अगर ये करोगे तो ही मैं गिफ्ट मानूंगा, नहीं करो भाई, इतने कैसे कर सकते हो वैसे करो। रात और दिन इस जैन धर्म की प्रभावना में, आत्म साधना में अपना जीवन लगाओ, यही करने योग्य है। क्यों? क्योंकि संसार में और कोई उपाय सुखी होने का है नहीं। समझ में आया? पकड़ गए बात? तो देखो भैया, सावधान होकर श्री गुरु कहते हैं कि अश्रद्धा नहीं करना, जैसा वस्तु का स्वरूप लिखा है तुम्हारे चेउपसम ज्ञान में पकड़ में नहीं आएंगे, विद्दीप समुद्र वो जानते हैं, लेकिन नहीं आवे तो भी तुम श्रद्धा रखना के केवली भगवान ने बताया है ऐसा ही होगा। और अभी तो टोडामल जी कहेंगे बहुत अच्छा आगे कि जिनने मूल प्रयोजन भूत बात में झूठ नहीं बोला, वे अन्य प्रयोजन में क्या झूठ बोलेंगे भाई? नहीं समझ में आई मेरी बात? आपने 10 लाख रुपए मुझे दिए और वे निकले 11 लाख, और मैंने फिर भी ईमानदारी से फोन करा के भैया वे 10 लाख नहीं है, वे 11 लाख हैं, आपने 1 लाख रुपए फालतू भेजे, तो मैं अगर इतना ईमानदार आदमी हूं और तुम मुझ पे इल्जाम लगाओ कि नहीं हमने तो आपको 10 रुपए दिए थे और आप कह रहे नो है, तो मैं 10 रुपए में झूठ बोलूंगा? जो आदमी 10 लाख रुपए में झूठ नहीं बोला वो आदमी 10 रुपए में झूठ बोलेगा कि बुद्धि तुम्हारी ठीक है क्या? यदि श्री गुरु कहते हैं कि वीतरागी जिनेन्द्र देव ने पूरा मोक्ष मार्ग इतनी ईमानदारी से बताया, ये नहीं कहा कि मुझे नमस्कार करो, मेरी वंदना करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरे प्रति समर्पित हो, ये कहीं नहीं कहा। और कहा भैया तुम स्वयं भगवान हो, तुम अपने आधा अपनी साधन से अपनी साधना से स्वयं भगवान बन सकते हो, हैं? और वो साधन बाहर में नहीं, तुम्हारा शुद्धात्मा ही वो तुम्हारा साधन है। ऐसी जिनने घोषणा की हो, इतने ईमानदार हो, जिनने अपने पुजवाने का भी राग जिन्हें नहीं आता, वे काय को दुनिया के बारे में गलत जानकारी देंगे भाई? वे क्यों तुम्हें झूठ कर्म बताएंगे? जैसे हैं उनके केवल ज्ञान में जैसे झलके उनने वैसे बताए। ऐसे अपने महापुरुषों ने तर्क से युक्ति से आगम की सिद्धि की है।